बस वो मेरी कोई फोटो ढूंढ रहे हैं जो मिल नहीं रही हाफ पैंट वाली। मिल जाएगा, हैंड्स पर उड़ा मार देगी। ये देखो भैया, क्लास 7। ये भैया बीजेपी परेशान कर रही है। तो औरंगजेब तुम्हारे खालू हैं? तो मुसलमानों का सौभाग्य था कि बीजेपी गवर्नमेंट आ गई उनका भला करने के लिए। जिसने मुसलमानों की आंखें खोली कि जागो प्यारे जागो, यही मैं कह देता हूँ। तो कहते हो आरएसएस, इंटरनली आरएसएस। अब देखना इस लाइन पे ट्रोल करेंगे सब, मोदी सेंडिंग सेंडिंग मनी, मोदी सेंडिंग मनी टू ऑल। जय हिंद फ्रेंड्स। मुसलमान क्यों परेशान है आज दुनिया में? बस एक वजह है, सिर्फ एक वजह की वजह से मुसलमान परेशान है। जितना वो मोहम्मद साहब के बारे में नहीं जानता उतना औरंगजेब के बारे में जानता है। एक मुसलमान को सबसे ज्यादा किसके बारे में जानना चाहिए? हजरत मोहम्मद के बारे में, नहीं? जो भी मुझसे औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने उससे 4-5 सवाल हजरत मोहम्मद पे कर लिए। कितनी बीवियां थी उनकी? 4-5 तो थी। 5? सबके नाम बताओ। नाम तो भैया नहीं याद है। तो औरंगजेब तुम्हारे खालू हैं? तब काहे इतना, पहले तो हजरत पे तैयार कर लो जो तुम्हें काम आएगा जीवन में, नहीं? जो सातों आसमान पे गए थे उन सातों आसमान का क्या नाम है? गए तो थे, हाँ, तो उसका नाम बताओ हर आसमान पर, और किस आसमान पे कौन सा फरिश्ता मिला? नहीं पता। मुसलमान सन्नाटे में कि भैया ये तो नहीं बताया। यही उसकी बर्बादी की वजह है। मेराज के बारे में पता ही नहीं। इस्लाम का सबसे कोर चीज है मेराज, पता ही नहीं, पता ही नहीं। इस्लाम सबसे ज्यादा बल किस पे? एजुकेशन पे। इकरा, कुरान के खिलाफ कोई मुसलमान सुन नहीं सकता, जान दे दे तुरंत। तो जब जान दे सकते हो तो फॉलो कर लो। सबसे ज्यादा इलिटरेसी किसमें है? सच्चर कमेटी रिपोर्ट, मैं थोड़ी कह रहा हूं, सच्चर कमेटी रिपोर्ट। सच्चर सबसे ज्यादा बल किस पे? ब्रदरहुड पे। इस्लामिक ब्रदरहुड, वो किसी अहमदिया मुसलमान की तारीफ कर दो सुन्नी के सामने, उसका बस चले तो तुम ही को मारे 10 डंडा। अगर उसका बस चले तो पहले तुमको 10 डंडा मारे। सबसे ज्यादा बल किस पे? वुमेन एम्पावरमेंट पे। कहने की जरूरत ही नहीं है। कुछ कहना ही नहीं। कुछ कहना ही नहीं। अभी यूपी का एक मुसलमान है, बहुत सामान्य सा, उसकी बेटी है सल्तनत परवीन, 6th रैंक आई है यूपी पीसीएस में, SDM बनी। आज यूट्यूब पे डालना सल्तनत परवीन।
अभी रिजल्ट आया 4 दिन पहले SDM। मैं तो जानता नहीं, मैं तो भारत समाचार पे उसका इंटरव्यू आया तो वहां मैं देख रहा था। सल्तनत परवीन, क्या हिम्मत वाला बाप रहा होगा। कितना हिम्मत वाला वो बाप रहा होगा जिसने बेटी पे रिस्क ले लिया। आजकल बेटियों पे रिस्क लेना बहुत खतरनाक है, समाज नहीं जीने दे रहा ना। वो मुसलमान ले लिया रिस्क और बिटिया ने प्यार का हक अदा कर दिया। तुम देखना आज इंटरव्यू जाके सल्तनत परवीन यूट्यूब डालना तो तुम घर देख के तुम्हें लग जाएगी बड़ा सामान्य, बड़ा अति सामान्य परिवार। इस्लाम मतलब इक्वालिटी है ना। पर सैयद जो है वो अपनी बेटी की शादी अंसारी के घर में नहीं करेगा, कहेगा जुलहा है। नहीं मुसलमान नहीं है, नहीं है मुसलमान लेकिन जुलहा है मुसलमान है। तब ये कहता है मुसलमान कि भैया बीजेपी परेशान कर रही है, वी आर इन ट्रबल बिकॉज ऑफ बीजेपी। जब तुम अपने धर्म के बेसिक सिद्धांत को मानोगे ही नहीं, और ये सबके साथ है, ये सबके साथ है, तो मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ भारत में। 1206 टू 1707 मुस्लिम रूलर्स इन इंडिया, 500 साल। 1858 टू 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रो मुस्लिम पॉलिसीज, 1950 टू 2014 यही मैं कह देता हूं तो कहते हो RSS इंटरनली, RSS नागपुर गाइडेड, नागपुर हाफ पेंट। बस वो मेरी कोई फोटो ढूंढ रहे हैं जो मिल नहीं रही हाफ पेंट वाली, मिल जाए तो हैंड्स प्रूफ मार देंगे, ये देखो भैया क्लास 7। सर्च तो कर रहे हैं। अरे कभी कभी अपनी कमी मान भी लिया करो। तो मुसलमानों का सौभाग्य था कि बीजेपी गवर्नमेंट आ गई उनका भला करने के लिए, जिसने मुसलमानों की आंखें खोली कि जागो प्यारे जागो। अयोध्या की मेयर पद का चुनाव जानते हो कौन लड़ने जा रहा बीजेपी से? इस्मत जहां। बड़ा डेवलपमेंट है ये, अयोध्या की मेयर, अयोध्या की मेयर पद का जो कैंडिडेट है वह इस्मत जहां। कितनी बड़ी बात है, नॉट अ स्मॉल थिंग। इसीलिए मैंने कहा ना अयोध्या कहां बीजेपी ने अपना कैंडिडेट लॉन्च किया, इस्मत जहां, सबका साथ सबका विकास। अब देखना इस लाइन पे ट्रॉल करेंगे सबको, मोदी सेंडिंग मनी, मोदी सेंडिंग मनी टू अवर हो जा। जब मेरी लाइव क्लास चलती तो कुछ लोग बैठ के सिर्फ देखते रहते हैं, अब क्या बोला, अब क्या बोला। अब क्या बोला, अब क्या बोला, अब क्या बोला, अब क्या बोला, अब बोला खटाक से।
खैर दुकान सबकी चलती रहना चाहिए। ये जो राजा है ना, राजा सुन लो, राजा को कुछ बातें एकदम क्लियर होती है तभी वो राजा है। जितना भी आदमी ऊंचाई पे बैठा हुआ है, जितना भी कैपिटलिस्ट क्लास, अंबानी, ये पता है ऊंचाई पे क्यों है? क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। सीसी का मतलब सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास नहीं है, क्लियर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है, पैसा कमाना है, कैसे चाहे जैसे। खत्म होगी बात, कॉन्सेप्ट क्लियर है, पैसा कमाना है, कोई डाउट नहीं, कोई डिलेमा नहीं। फिर एक है मिडिल क्लास, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट, मिक्स्ड। नॉनवेज खाते हो? अंडा खाते हैं भैया। शराब पीते हो? कभी कभी पी, होली होली में पी लेते हैं। तुम्हें गर्लफ्रेंड है? प्यार करते हो उसे? नहीं, हम वो शुद्ध प्रेम करते हैं। शुद्ध मतलब जैसे ही इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ये तुरंत यहां पहुंच जाता है। एक है वर्किंग क्लास, पीपल विदाउट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कहता भैया पैसा भले नहीं कमाए इज्जत बहुत कमाए हैं। इसके पास एक संपत्ति है, इज्जत। जिसकी कोई कीमत ही नहीं, कोई खरीदार ही नहीं उसका। ये जो यहां बैठा, राजशाही का मतलब क्या समझ, इन दोनों में जो मूलभूत फर्क है, फंडामेंटल, इसकी समझ लेवल बहुत हाई है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसका इमोशनल लेवल बहुत हाई है, दोनों का हाई है। एक चीज, इसका समझ लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई, इसका इमोशनल लेवल बहुत हाई है। और ये 2% है, ये 98 है। इसको पता है, इसको इमोशनल कर दो बस, इमोशनल को पाकिस्तान बना दिया, इमोशनल करके ही तो बनाया। पाकिस्तान जो बना वो इमोशनल करके ही तो बना, कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह पाएंगे, हम मेजॉरिटी हिंदुओं के साथ नहीं रह पाएंगे, मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता। तभी तो हिंदुस्तान का जो राइट विंग है वो क्या कहता है कभी कभी, कि जब एक मुल्क बनाए थे कि हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तब सभी चले जाते वहां। गलत नहीं कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं कौन कहता है। ये कहते हैं जावेद अख्तर साहब, उनका एक इंटरव्यू है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, सुनना कभी। और जब रह गए तब तो कल्चर इस कंट्री का मानना पड़ेगा ना। कल्चर, फेथ नहीं। फेथ मानने का मतलब जबरदस्ती, बदमाशी, कल्चर। कितनी आग पैदा हो रही है, जहर।
और जो बेचारे अनपढ़ उनको छोड़ो, पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड, तो वो कभी कभी बड़ा असहायपन सा महसूस होगा कि ये क्या हो रहा है यार। मेनी टाइम्स यू विल फील हेल्पलेस, क्योंकि तुम कुछ बोलोगे मेजॉरिटी तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, तुम्हारे अपने लोग खिलाफ हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो मुझको मौलाना वद ओझा कहते ही है, कहते मौलाना ही है। कहते फैजल के साथ काय काम करते हो, फैजल के साथ क्यों काम कर रहे हो? देखो तुम्हें 3 साल से पुणे में पढ़ा रहा है, 3 साल से कितने लोगों ने उससे कहा कि लोकल टीचर दिला देते हैं 500 पर आवर, तो जो दिल्ली का टीचर आता है कोई 5,000 रुपए पर आवर से कम लेता होगा? तुम यहां पुणे में बैठ के और दिल्ली के टीचरों से पढ़ रहे हो 3 साल से, कोई एक आदमी आके बता दे मुझे पिछले 3 साल में कि नहीं सब यहां औरंगाबाद के टीचर थे। तुम्हारे सामने देखो, और कितनी फीस दिए होगे? बहुत दिए होगे, 1,00,000 रुपए दिए होगे। वो भी 40 बार में दिए होगे, रीजनल सेंटर है ना, ये भी नहीं कि पहली बार कह रहे हो बहुत मजा आया वेरी गुड थैंक यू सर ये लो पूरा पैसा ले लो। तुम अपने सामने देख लो कौन सी बेईमानी की तुम्हारे साथ, कोई फर्जी 2 रिजल्ट इकरा छापती अपने और दोनों जेन्युइन, रिजल्ट की कमी थोड़ी है उसको। हम बोलते हैं 20 लड़कों को तुरंत तैयार हो जाएंगे कहने के लिए कि हाँ हम इकरा से पढ़े थे, पर्सनल गाइडेंस ले रहे थे विदाउट फिलिंग द फॉर्म, जो सर वाज गिविंग पर्सनल गाइडेंस। पर उस आदमी ने कभी कोई फर्जी फोटो नहीं लगाई, सर अपने रिजल्ट प्रिंट करेंगे। तुमको नहीं दिखाई पड़ता, हमको तो दिखाई पड़ता है। तुमको भले ना दिखाई पड़ता हो, हमें तो दिखाई पड़ता है। और दिल्ली जाओगे पहला सामना पोल्यूशन से होगा, दाल ढूंढोगे टिफिन में, लेंस वेंस लेके देखोगे तो एक आध दाल कहीं दिखाई पड़ जाएगी। 2,00,000 रुपए फीस और मिनिमम 20,000 से 25,000 रहना पर महीना, पर उस आदमी को विश्वास है कि नहीं सर हम खड़ा कर ले जाएंगे बिजनेस, आज नहीं तो कल लोग मानेंगे कि सही चल रहा है, सही काम कर रहे हैं हम, हमारे अपने रिजल्ट आएंगे। इस बार ये लोग बहुत आशावान्वित है कि कम से कम 10 रिजल्ट इनके अपने होंगे। उसने किसी से नाम पूछा कि तुम हिंदू हो तुम्हारा एडमिशन नहीं लेंगे, हिंदुओं से ज्यादा पैसा लेंगे मुसलमानों से कम लेंगे? किसी ने यहां पूछा किसी से?
तुम अपनी आंखों से देख लो। माइनस में है इंस्टीट्यूट, जितना पैसा आया सब चला जाता है। सब जो अपना पर्सनल काम धंधा कर रहे हैं वहां से पैसा निकालते हैं। लेकिन यह है कि नहीं, कर ले जाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब देखने वाली चीजें हैं। तुमको इकोनॉमी पढ़ाया, पॉलिटी पढ़ाया, सब दिल्ली के टीचरों ने ही तो पढ़ाया। एक बताओ टीचर, और अच्छे टीचरों ने, मतलब तुम्हें मजा आया होगा उनकी क्लास में बैठ के, समझ में आया होगा, चीजें कनेक्ट हुई होंगी। तुम मेहनत ना करो तो उसमें इंस्टीट्यूट क्या कर ले। इकरा IAS के साथ अब युवा पकड़ेगा UPSC में बेहतर प्रिपरेशन की रफ्तार, क्योंकि इकरा IAS लाए हैं UPSC CSE 2024 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस, जिसके लिए आएंगे दिल्ली से एक्सक्लूसिव झा सर, ओझा सर, संजय सर, रबानी सर और शेखर सर जैसे 20 साल के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। ज्वाइन आवर न्यू ऑफलाइन बैच फॉर NCERT बेसिक्स एंड GS प्रीकम मेंस एट इकरा IAS कानपुर, स्टार्ट्स फ्रॉम 4th मार्च। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर न्यू ऑनलाइन बैच at ikraias.com।